तो ये देखिए जी, सुबह सुबह मैं लगी थी कपड़े धोने, और कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे क्योंकि अभी राज का सुबह सुबह उल्टी लगी आज, तो शायद उसे ठंड ज़्यादा सता रही। और ये मेरी मैडम जी आई फोन मांगने, फोन देखोगे आप? चलो तो बिस्तरे में बैठी हो चलो। और बाहर मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, ये देखो एकदम साफ सुथरा है फर्श। और अब मैं बेटा फोन देखेगा, ये फोन देख लेगी, मैं कपड़े धो लूंगी। ओके बाहर नहीं आना, और अभिराज को भी दिखाइए ठीक है, कभी उसे रुआवे। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ, बने रहिए हमारे व्लॉग में। तो जी अभी दोपहर के बजा है एक बज रहा है, तो मैं आई थी कपड़े लेने के लिए, सुखा तो दिए थे मैंने, और आज ना धूप निकलने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान जी मेहरबान हो गए, कपड़े मतलब सूख गए हमारे, और धूप देखो अच्छी खासी निकल ली। आप देख सकते हैं एकदम खुला मौसम है, और यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा रखे थे ये बड़े बड़े। तो आज ना अभिराज का दो बार उल्टी लगी सुबह सुबह, एक तो रात में लगी होगी वो तो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं सो रही थी, सो रही होगी उसके लगी होगी उल्टी, या फिर खांसी, खांसी हो रही थी उसे, मेरी आँख तो खुली थी, मैंने अच्छा खांसी हो रही है नॉर्मली। फिर मैंने सुबह देखा तकिए के कवर पे भी उल्टी थी, और उसके कपड़े भी गंदे हो रहे थे, तो मैंने सबसे पहले उठ कर उसके कपड़े बदले, और फिर मैंने सोचा कि मतलब इन कपड़ों को धोया जाए, क्योंकि जब उल्टी हो जाए ना तो फिर तो कपड़े धोने ही पड़ते हैं ना, वरना बदबू आती है कपड़ों से। तो मैंने गद्दों के कवर ववर सब उतार के फिर धोए, कल भी धोए थे मैंने गद्दों के कवर, और फिर आज फिर धोने पड़े मुझे। तो ये देखो गद्दा भी मैंने धूप में खड़ा कर रखा, थोड़ा बहुत पानी जो आगे होगा इस पर। और ये देखो ये गद्दे के कवर है, और ये बाकी ये बेड शीट, और ये हैं चादर, तो ये सब कल धोई थी मैंने। और ये दो चादर तो ना, ये वाली फुल्लों वाली, ये वाली, ये तो हमने मतलब तह करके रख रखी थी सिराने पे, एक तो तह की तह गंदी होगी, और एक फिर मैंने सुबह ही होते ही उसके नीचे बिछा दी, मतलब पहले खाट पे सो रहा था रात के टाइम, और फिर उसके बाद आ गया था मतलब बेड पे। मैंने सोचा चलो मतलब कमरा खाली करके मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लूँगी कमरे में सुबह सुबह, तो दवाई दे कर लिटाया ही था बस, और एकदम उसने उल्टी कर दी। फिर कोई बात नहीं, तो फिर दूसरा गद्दे का उसका तकिए का कवर भी गंदा कर दिया, और बेड शीट और एक चादर और बिछाई थी फूल वाली, अभी दिखाई है वाली, मतलब कहने का ये है कि उसने सभी गंदे कर दिए कपड़े। फिर मैंने सोचा सबसे पहले तो इसके कपड़े बदल के इसको सबसे पहले रजाई में लिटाया मैंने, और फिर उसके बाद में मैंने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद में झाड़ू पोछा करा और खुद नहाई, और अब मैंने मतलब उनको दवाई दिलवाने जाना मार्केट में, तो मैं सोच रही थोड़ा सा टाइम और हो जावे, क्योंकि इस टाइम ना यहाँ पे डॉक्टर बैठते नहीं दोपहर में, मतलब एक डेढ़ के बीच में बैठते नहीं, तो मैं सोच रही दो या ढाई के बाद जाना है डॉक्टर के यहाँ पे, तो इसीलिए मैं कपड़े उतार के और रख दूँ, फिर मैं डॉक्टर के जाऊँगी लेकर। और वैसे धूप यहाँ पे निकल रही, रेनू का फोन आता गाँव से, गाँव में धूप नहीं है बहुत, मतलब कोहरा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप बिल्कुल एकदम खुला आसमां, और मतलब सूर्य देवता जी भी निकल चुके हैं, और मतलब अब तो फिर भी कम सी होगी धूप, वरना सुबह बहुत अच्छी धूप निकल गई थी 10 बजते ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 10 बजे के बाद निकली थी यहाँ पे धूप, लेकिन निकल गई थी बहुत अच्छे वाली, कोहरा तो था यहाँ पे सुबह, लेकिन ये नहीं है कि पूरा दिन कोहरा है, ये तो आप सब देख ही सकते हैं कितना साफ मौसम हो रहा। और अब मैं धूप में आगे देखा और भी साफ लगने लगा, तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं नीचे की ओर। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ, बने रहिए हमारे व्लॉग में। तो ये आज सुबह सुबह 4 बजे उठ गई थी मैं, और 4 बजे उठने के बाद मैंने सर को झाड़ू पोछा कर दिया और नहा भी ली, आज तो मैं सुबह नहा ली, क्योंकि रोज की लेट उठा करूँ थी ना मैं, तो इसीलिए मुझे नहाने में भी लेट हो जाता था, और पूरा दिन बेकार सा जा रहा था, लेट उठने की आदत अच्छी हो गई थी, तो इसीलिए आज मैं जल्दी उठ गई, डरा दे उठ गया। तो ये दोनों बच्चे सो रहे हैं, और रात ना विराज को मैंने शहद में मिला के वो दिया था अदरक का जूस, तो खैर रात उसे बिल्कुल भी खांसी नहीं आई, नहीं तो खांसी में इतना बुरा हाल था कि कल उसको उल्टी लगी दो, और उसके बाद
मैं पूरा दिन परेशान रही उसको, डॉक्टर के लेगी दो बार डॉक्टर नहीं मिला, फिर मार्केट से सामान लाई, तो मतलब मेरा पूरा दिन ऐसा गुजर गया बिल्कुल दुखी दुखी सा एकदम। लेकिन ये है कि शाम के टाइम मेरी एक मौसी जी है, मैं उन्होंने बताया कि बेटा इसको ना शहद में मतलब अदरक का जूस मिला के और वो दे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सच्ची में रात से ना अब तक इसने खांसा नहीं, तो मुझे बड़ा सुकून मिला। खैर बिना दवाई की अगर हो जाए, और क्योंकि दवाई खाने से भी बेटर है, तो देसी इलाज हो जाएगा घर का, तो मैंने तो वही सोचा। तो वैसे फिर भी मैं टेस्ट कराऊंगी क्योंकि बुखार आ रहा जा रहा, कल से तो कोई बुखार नहीं आया इसे। जो डॉक्टर के से दवाई लाई थी ना वो तो खैर बहुत अच्छा डॉक्टर था, उसने मतलब इसको ना इसी दवाई दे दी, बुखार तो इसको आया नहीं, लेकिन खांसी थी इसको, और खांसी रात में ना इसको वही दे दिया था शायद, तो अब तो बिल्कुल ठीक है और अब भी बुखार तो नहीं है, सही है और अच्छा सा अच्छे से सो भी रहा, नहीं तो पूरा दिन पूरी रात परेशान करा कर रहा था मुझे भी और खुद भी रह कर रहा था। तो फ्रेंड्स चलो लग जाते हैं अपने काम पर। तो सुबह सुबह ना मैं सोच रही इनके उठने से पहले ना पानी का सारा काम कर लिया करूँगी, क्योंकि अगर मैं पानी का काम करूँ ना फिर ये मेरे साथ पानी में घुसते रहे दोनों बच्चे, अभिराज भी और रव्या भी। तो मैंने अब जा सुबह उठ के इसीलिए झाड़ू पोछा कर लिया, कपड़े अपने धो दिए, अभी बच्चे नहाएंगे, इनमें के कपड़े इतने गंदे नहीं है, गंदे तो मेरे भी नहीं है, मैंने भी शर्म में निकाल कर डाल दिए, और इनके भी ऐसा ही होगा। लेकिन यह है कि कल इसीलिए ज़्यादा थे कि बिस्तर बिस्तरे सब उल्टी में हो रहे थे, तो मैंने मुझे सारे कपड़े धोने पड़े, और उसके बाद भी ये मतलब परेशान रहा बहुत ज़्यादा। तो खैर जो भी है भगवान बस अपने अपना आशीर्वाद बनाए रखे और मेरे बच्चे ठीक ठाक रहे, बस यही भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों की खुशी चाहिए, मेरे बच्चे ठीक ठाक रहे खुशहाल रहे और बस और कुछ नहीं। हाँ ये देखो अभी राज उठ गया, गुड मॉर्निंग वरना। हाँ बेटा पानी ले रहा है बापा, उई सोते उठते ही बापा मांग रहा, मैं पानी लेके आ रही फिर चाय बनाऊंगी। तो जी मैं किचन में आ गई थी, उसे पहले पानी दे दो और उसके बाद उसके लिए चाय बनाऊंगी अच्छे से डाल दूँ पानी मेरा वगैरह अजवाइन वगैरह, क्योंकि जो बुखार है ना वो निकल जावे, तो उसे सबसे पहले पानी दे दूँ गर्म करके। और इधर आदमी ना भजन बजा रखे, आज मंगलवार है ना, हनुमान जी के भजन आ रहे। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और आज का व्लॉग तो आज सुबह में ही डलेगा, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मन इतना दुखी था ना, बस भगवान जी मगा बस मेरा बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए। लेकिन ये है कि भगवान जी ने ऐसी सुनी कि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ अब, जब मुझे उसका कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो खाना बनाना है बस और कुछ नहीं, तो अब जब बस उनका नाश्ता पानी कराऊंगी बच्चों का। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अभी इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ, और आज थोड़ा सा ही व्लॉग डलेगा शायद ऐसा लग रहा मुझे, और बाकी वो तो समय बताएगा कितना मिनट का बना कितना नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कल बना था और थोड़ा सा आज।